हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंडियन फूड भारतीय खाना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कच्चे आम का कलाकंद बना रहे हैं। ये कलाकंद खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट करें। कलाकंद बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है, 100 ग्राम कच्चा आम लिया है, इसको काट लिया है मैंने, 150 ग्राम चीनी, 4 चम्मच मिल्क पाउडर के, ड्राई फ्रूट्स में बादाम और काजू लिए, ग्रीन फूड कलर 1 नींबू। अब सबसे पहले हम दूध को गर्म होने के लिए रख देते हैं, इसमें एक उबाल आ जाने तक गर्म कर लेंगे इसको। जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है, जब तक हम मैंगो को पीस लेते हैं। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे हम। हमने कच्चे आम को पीस कर प्यूरी बना ली है इसकी। हमारे दूध में उबाल आ गया है, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको अलग रख देंगे। अब हम दूध में नींबू डाल के इसको फाड़ेंगे। मैंने कटोरी में नींबू का रस निकाल लिया है, अब थोड़ा कर कर के डालेंगे इसमें। अभी थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे छोड़ देंगे ताकि दूध अच्छे से फट जाए। हमारा दूध अच्छे से फट गया है। अगर आपका दूध अच्छे से नहीं फटे तो आप आधा नींबू और डाल सकते हैं इसमें। हम एक अब चलनी में डाल देंगे ताकि इसका पानी निकल जाएगा। इसका पानी अलग निकल गया। अब इस पर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि नींबू की खटाई निकल जाएगी इसमें और सॉफ्ट भी हो जाएगा ये। अब थोड़ी देर के लिए हम ऐसे रख देंगे ताकि सारा पानी निकल जाएगा इसका। अब कलाकंद बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें कच्चे आम की प्यूरी डाल देंगे। चीनी डाल देंगे। अगर आपको थोड़ा कम मीठा पसंद हो तो आप थोड़ी चीनी रख ले। अब दोनों को लगातार चलाते हम पका लेंगे। हमें 5 से 6 मिनट पकाना है इसको। गैस को हमें मीडियम ही रखना है, नहीं तो जल जाता है जल्दी से। अब इसकी चीनी भी मेल्ट हो गई है, अभी इसको 5 से 6 मिनट पका लेंगे, थोड़ा टाइट हो जाएगा। गैस को हमें बिल्कुल कम रखना है। हमने 5 से 6 मिनट पका लिए चीनी को, ये थोड़ा टाइट भी हो गया है। अब इसमें पनीर डाल देंगे हम, थोड़ा हाथ से मसल कर डाल देंगे। मिल्क पाउडर भी डाल देंगे, मिल्क पाउडर से कलाकंद अच्छा बनेगा। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। हमने पनीर को अच्छे से मिला लिया है, अब हम इसको थोड़ा टाइट होने तक पका लेंगे। लगातार ही चलाते रहेंगे इसको ताकि जले नहीं नीचे से। हमारा कलाकंद टाइट होने लग गया, अब इसमें ग्रीन कलर डाल देंगे हम। इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल देंगे, अब आप येलो कलर भी डाल सकते हैं। अब अच्छे से मिला लेंगे इसको। ग्रीन कलर से दिखने में बहुत अच्छा दिखेगी। हमारा कलाकंद तैयार हो गया है। गैस बंद कर देंगे हम। कलाकंद जमाने के लिए हम एक प्लेट ले रहे हैं, इसमें मैंने पॉलीथीन भी छा लिया है, इस पर घी लगा लिया थोड़ा सा ताकि आसानी से निकल जाएगा। अब प्लेट में डाल देंगे। मैंने कलाकंद को अच्छे से जमा दिया है प्लेट में। अब इसको 1 घंटा बाहर ऐसे ही रहने देंगे ताकि थोड़ा जम जाएगा ये। हमारा कलाकंद जमकर तैयार हो गया है, अब प्लेट में निकाल लेंगे हम। पॉलीथीन में से निकाल देंगे।
ये दिखने में कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम काट लेंगे इसको। हमारे कच्चे आम का कलाकंद तैयार है। आप इस रेसिपी से इस कलाकंद को जरूर बनाकर देखें, ये बच्चों बड़े सबको बहुत अच्छा लगेगा, ये खट्टा मीठा लगेगा।